यशोमती मैया के नंदलाला। व्यर्थ हरि बिन जग ये सारा, व्यर्थ हरि बिन जीवन धारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। वरुण देव विनती सुन लीजिए, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंच तत्व, पांचों महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रिये ये क्या कर रही? रुक जाओ। जठरागिनी सब दूर ये कर दो, अग्नि देव मेरे ताप को हर लो। माता जो वंचित ममता से जग में नहीं उसको कुछ प्यारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। प्रभु, यदि अग्निदेव अपना अग्नि तत्व वापस ले लेंगे तो इनकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीवित रहने के लिए शारीरिक तापमान भी अति आवश्यक होता है। यदि वही विलुप्त हो गया तो। धरा, तुम्हें मेरी सौगंध मत करो। ये हे भूमाता आकृति दाता, मिथ्या है जब ना मिला हरि का सहारा। प्रभु, भू तत्व ही तन को भार देता है, उसके बिना ये तो पूरी तरह से ढह जाएंगी। धरा, धरा, ये क्या हो गया? बस करो अब। प्रभु, कुछ कीजिए। मैं संसार का संचालक हूं देवी, नियमों का पालन करने के लिए मैं भी बाध्य हूं। जो वचन मैं पहले ही माता देवकी को दे चुका हूं, यदि मैं चाहूं तो भी उसे तोड़ नहीं सकता। सूख लो आयु सब सतन की, आस ही जो ना शेष है मन की। वायु देव कृपा करो अब ये, रोक दो इन श्वासों की धारा। प्रभु, प्राण वायु के बिना प्राणों का बचना संभव नहीं। धरा, 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 बस करो अब। क्या तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो? तुम्हारे प्राणों में मेरे भी प्राण बसते हैं प्रिय। रुक जाओ। तुमको मेरा अंतिम प्रणाम, अंतरात्मा
लीन करो मेरी लेके श्री हरि का नाम। धरा 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 ये क्या कर लिया तुमने? धरा कोई है सहायता कीजिए। धरा जल धरा तुम चिंता मत करना, मैं यही हूं, मैं दो क्षण में जल लेकर आता हूं। प्रभु आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं, कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें माँ कहकर पुकारा है, माँ की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? प्रेम ना जिसकी सीमा कोई ना कोई आयाम, माँ की ममता के आगे विवश हुए भगवान, विवश हुए भगवान। प्रभु नहीं पुत्र कहो मां। पुत्र मेरा पुत्र, पुत्र।
मेरा पुत्र। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए। आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो मां, माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है, और मैं अपनी ममता आप पर न्योछावर करने के लिए आतुर हूं। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी, किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि ये अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है,
जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो और दया उसे तो बिल्कुल नहीं, मार डालो। साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो, किंतु हाँ, यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्नि शेषम ऋण शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद, कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो। विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं। आज से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं, तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले थर थर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी। अभी यमुना में फेंक देना।
कोई कितना भी क्रूर कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था, और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको, रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं? नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।